मित्रों नमस्कार, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। आज जो भी आ चुके हैं अब तक गेस्ट, मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैंने अपना एडवाइजरी का काम नवंबर 99 से शुरू किया हुआ है और आज लगभग सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हमारी कंपनी डील करती है, और मैं अपने कंपनी का आपको प्रेजेंटेशन दूंगा तो उसमें चर्चा में आएंगे। आज हम लोग सब्जेक्ट रखे हैं कि एसआईपी ही क्यों, तो इस पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ मैनेजर साहब हमारे एसबीआई म्यूचुअल फंड के जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारे नमन शर्मा साहब। तो मैं उनको भी इनवाइट करूंगा और लास्ट में उनसे मैं कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। इस बीच में हम अपना छोटा सा प्रेजेंटेशन रखना चाह रहे हैं और जो मित्र देरी से जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है। थोड़ा देरी से आने के लिए भी स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कई बार आगे पीछे हो जाता है। तो मित्रों सबसे पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन का शुरुआत करूंगा। जैसा कि मैं नाम बता चुका हूं, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैं नवंबर 99 से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के कारोबार कर रहा हूँ। 10,000 से ज्यादा परिवार के साथ में सर्विसेज दे रहा हूँ। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो 2021 में फाउंडेड हुई थी। उससे पहले जो भी हमारा बिजनेस था वो तिवारी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के ऊपर चल रहा था। अभी दोस्तों बहुत सारा हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंडिविजुअल नाम पे भी है, हमारे फैमिली नाम पे भी है, और इसी तरह से हम लोग सारी सेवाएं को दे रहे हैं। मैं अपना कंपनी का प्रोफाइल एक बार आपके सामने लाना चाहूंगा। इस बीच में काफी मित्र हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, उन सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा परिचय है हमारे ग्रुप के बारे में। हमारे ग्रुप का नाम है टिस ग्रुप, जो तिवारी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हुआ करती थी। आज भी ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी रन कर रही है। टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारी जो मेन कंपनी है, और तिवारी प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन, इस कंपनी के साथ में हम लोग अपने इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कराते हैं। दोस्तों पिछले 24 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। नवंबर 99 में मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, काम की शुरुआत कर दिया था। और जो हमारी कंपनी है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, जिस तरह की म्यूचुअल फंड हो गया और अदर प्रोडक्ट हो गए, इन सारे प्रोडक्ट पे सर्विसेज दे रही है, एडवाइजरी दे रही है। दोस्तों एक छोटा सा हमारा विजन है, बहुत छोटा मिशन भी लेके काम कर रहे हैं। हमारे जो स्ट्रेंथ है मित्रों, वो 1,000 करोड़ से ज्यादा एसेट अंडर एडवाइज है अलग अलग प्रोडक्ट में। इनएफओ में हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारी जो कंपनी है वो लीडर की तरह काम करती है नॉर्थ इंडिया में। एनएफओ के ऊपर 25 से ज्यादा हमारे पास फुल टाइम एम्प्लाई हैं, 250 से ज्यादा हमारे पार्टनर है, फ्रेंचाइज है पेन इंडिया में, जो हमें बिजनेस देते हैं, सपोर्ट करते हैं। आईआरडीए रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एडवाइजर, एमपी रजिस्टर्ड हमारी कंपनी है, रेरा रजिस्टर्ड हम म्यूचुअल फंड, रेरा रजिस्टर्ड हम रियल एस्टेट एडवाइजर हैं, आईआरडीए रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। तो सारे जो कंपनी और लीगलिटी जो भी होती है वो टर्मोलॉजी पूरा करते हैं। सर हमारी कंपनी 9001 2001 सर्टिफिकेशन प्राप्त कर चुके कंपनी। अपना जो कोर बिजनेस है, कोर पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, रिसर्च एंड एडवाइजरी, अकाउंटिंग सर्विसेज, फिक्स इनकम
टैक्स सेविंग, गवर्नमेंट स्कीम, रियल एस्टेट, इक्विटी, लाइफ, जनरल और म्यूचुअल फंड्स के काम में फोकस करके काम कर रही है। ये हमारे प्रोडक्ट रेंज है। यहाँ से इस तरह से हमने अपना करियर का, अपने कंपनी का, अपने बिजनेस का ग्रोथ दिया है। नवंबर 99 से मैंने शुरू किया था और आज आपके सामने 2022 क्रॉस करके 2023 में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और इस कि आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सभी मित्रों का, आप सभी इन्वेस्टरों का, आप सभी पार्टनरों का अगर आशीर्वाद और सहयोग रहा तो आपकी ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पे एक बड़े माइलस्टोन साबित करके दिखाएगी। दोस्तों ये हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं। आगे हम दिखाना चाह रहे हैं रियल स्टेट में हम किस किस कंपनी के साथ में हमारी रियल एस्टेट की ब्रोकिंग दे रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख नाम है जिसमें कि सिक्का है, श्री ग्रुप है, पैरामाउंट है, महाजन, महागुण है, जेम फ्लोरेंस है, बुलंद है, एसोटेक है, अरिहंत है, टाटा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, गैलेक्सी है, और सन सिटी ग्रुप है, एल्डिको है, एस ग्रुप है, निराला ग्रुप है, अरिहंत ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप जिसके लिए हम लोग एडवाइजरी करती है रियल एस्टेट में मित्रों। इसके अलावा और भी काफी सारे ग्रुप हैं जो हमारे प्लान प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा होगा। एटीएस है, गुलशन है, फ्यूजन होम है, एबीए कॉर्प है, ये सारे हैं। जो हमारा कोर बिजनेस है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। प्रायोरिटी क्लाइंट ग्रुप सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज है, फ्रेंचाइज और सब ब्रोकर वाला मॉडल पे भी हमारी कंपनी काम कर रही है। रियल एस्टेट में मैं बता ही चुका हूँ और रियल एस्टेट ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो कर ही रही है दोस्तों। दोस्तों छोटे 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 हमने अपने जीवन में लक्ष्य बनाए हुए हैं जो हमारे कंपनी के लक्ष्य हैं और उसी लक्ष्य को आगे लेकर के हमारी पूरी टीम, पूरी कोर ग्रुप इसको चला रही है मित्रों। मित्रों अभी तक एक छोटा सा हमारा परिचय रहा है और आगे जैसे ही आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा हम इस काम को और भी आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। अभी तक नॉर्थ इंडिया में हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है निहाल विहार नागलोई दिल्ली में है और बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत ही जल्द आपको पश्चिम बिहार के अंदर एक शानदार कारपोरेट ऑफिस आपको ओपनिंग के लिए तैयार है। मैं निमंत्रण दूंगा अपने सारे पार्टनर को, सारे इन्वेस्टर को, सारे दोस्तों को, सारे मित्रों को कि उसके इनोग्रेशन में आप लोग आए और हमें आशीर्वाद दें। ये छोटा सा हमारा परिचय है। अब हम चर्चा करते हैं कि म्यूचुअल फंड में SIP ही क्यों, ये आज का टॉपिक था। तो SIP मित्र इसलिए क्योंकि SIP के द्वारा ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को करके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। SIP के अलावा बाकी जो टूल्स हैं वहां पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 4 से 6% के बीच में आता है। चाहे आप बैंक डिपॉजिट की बात कर लें, फिक्स डिपॉजिट की बात कर लें, या अदर आप फाइनेंशियल टूल की बात कर लें, रियल एस्टेट और गोल्ड से कंपैरिजन करेंगे तो वो तो 5 से 6% के अंदर भी रिटर्न नहीं दे पा रही है। मैं एक लॉन्ग टर्म की रिटर्न की बात कर रहा हूं मित्रों। तो निश्चित तौर पे म्यूचुअल फंड की SIP एक लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न डिलीवर करता है। इसके मैं कुछ प्रमाण दूंगा, कुछ प्रूफ दूंगा, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अभी आपको। तो फिर से मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जो हमें प्रोवाइड कराई गई है SBI म्यूचुअल फंड के द्वारा, हमारे मैनेजर साहब के द्वारा। मैं उनका आभार प्रकट भी करूंगा और मैं उनके द्वारा भेजे गए इस म्यूचुअल फंड चार्ट के ऊपर भी आपका नजर दिलाऊंगा कि जहां पे एक शानदार रिटर्न हमने अपने इन्वेस्टरों को दिए हुए हैं। जिसमें मित्रों ये आपके सामने दिख रहा होगा, किसी मित्रों को दिखने प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है? पिक्चर क्लियर है सर? जी सर, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू। तो देखेंगे सर कि इसमें आपका जो पोर्टफोलियो के अंदर एक सबसे अच्छी बात होती है एक लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट में, एक लंबे समय की अनुबंध में और लंबे समय तक एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में, और उसी का एक शानदार प्रतिफल है कि SBI म्यूचुअल फंड के कुछ शानदार फंड्स ने पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों का, पिछले 10 सालों का और पिछले 15 सालों में जबरदस्त रिटर्न डिलीवर किया है। उसमें सबसे ऊपर नाम आता है SBI ब्लू चिप फंड्स का, जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम ब्लू चिप कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी में करी जाती है। और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके SIP के द्वारा आपने 3 साल में 18.25% का CAGR अर्न किया है। और ये जो रिटर्न मैं दिखा रहा हूं ये SIP रिटर्न है जो 31 दिसंबर
आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले का है, 31 दिसंबर 2022 के डाटा के हिसाब से है, पिछले 5 सालों का रिटर्न 14.75% का, पिछले 10 सालों का 13.61% का, पिछले 15 सालों का 13.74% का है दोस्तों। इसी क्रम में आगे आप देखेंगे SBI स्मॉल कैप फंड का, तो पिछले 3 साल का CAGR रिटर्न इसका 29.24% का, पिछले 5 सालों में 23.25% का, पिछले 10 सालों में 23.18% का, और अभी इस फंड को आए हुए 15 साल नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पे दोस्तों एक शानदार इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहेगा जिनको हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न लेने की इच्छा है, जिन इन्वेस्टरों का, जिन एडवाइजरों का, वो यहाँ पे निश्चित तौर पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक और मैं फंड की चर्चा करूंगा और उस फंड्स का नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड ने पिछले 3 सालों में लगभग 34% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया है अपने SIP इन्वेस्टरों को, और अगर 5 साल का रिटर्न की बात करेंगे तो 24.12% का, पिछले 10 सालों में लगभग 17% का, और पिछले 15 सालों में लगभग 14% से ऊपर का रिटर्न डिलीवर किया है, जो एक शानदार रिटर्न है मित्रों। तो निश्चित तौर पे एक लंबे समय की प्लानिंग करके, लॉन्ग टर्म के गोल को बेस बना करके, आपको अपने लिए और अपने सगों के लिए, अपने दोस्त मित्र सखा संबंधियों के लिए इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड्स में SIP ही क्यों? तो SIP इसलिए, SIP सिर्फ इसलिए कि आपके रिस्क को कम करके, बेहतर रिटर्न देने की क्षमता सिर्फ SIP में है, क्योंकि मार्केट जितना वोलेटाइल होगा, SIP का परचेज आपका हर अलग अलग महीने के एक फिक्स डेट पे होगा, और हर मंथ मार्केट उतार चढ़ाव बना रहता है, तो वहां पे आपका SIP का रिटर्न बेहतर निकल करके आता है। इस पे हम चर्चा आगे भी करेंगे अपने मैनेजर साहब को जब हम लाइव लाएंगे तो। और इस बीच में कुछ और फंड्स के मैं चर्चा कर लूं, जिसमें कि SBI लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड के बारे में मैं एक बार आपको ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि ये फंड पिछले 3 सालों में 23.55% का, पिछले 5 सालों में 18.31% का, पिछले 10 सालों में 15.91% का, और पिछले 15 सालों में 15.31% का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। मित्रों, SBI म्यूचुअल फंड इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। इसके साथ में इसका म्यूचुअल SBI म्यूचुअल फंड का प्रेजेंस पूरे भारत वर्ष में है, और लगभग हर भारत का तीसरा नागरिक कहीं न कहीं SBI बैंक और SBI ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा दाम मार रहे हैं, तुम बड़ा बड़ा दाम भर लिए। हां, पहले का जो मिले जो ले लो, कि क्या क्या तो कहीं करो, आओ जाम रखो बस। SBI ग्रुप के साथ में कहीं न कहीं हमारे वो मित्र जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर नहीं भी जुड़े हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको SBI म्यूचुअल फंड्स के साथ में जुड़ के इन्वेस्टमेंट करने का। ये तो हमने इक्विटी फंड के ऊपर बात करी दोस्तों, अगर हम डेट फंड की बात करें तो डेट फंड में भी SBI का सेविंग फंड्स, SBI का शॉर्ट टर्म डेट फंड, SBI मैग्नम का मैग्नम ड्यूरेशन फंड्स, और SBI का डायनेमिक बॉन्ड फंड्स एक बेहतर फंड्स रहा है पिछले 3 सालों के SIP के लिए, पिछले 5 सालों के SIP के लिए, पिछले 10 सालों के SIP के लिए, और पिछले 15 सालों के SIP के लिए, जहां पे डेट का रिटर्न भी एक एवरेज रिटर्न रहा है दोस्तों। लेकिन आज का फोकस हमारा डेट SIP नहीं रहेगा, आज का हमारा फोकस और जो सब्जेक्ट रहेगा वो हमारा इक्विटी SIP रहेगा। ये संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त जानकारी और संक्षिप्त इंट्रोडक्शन हमारे द्वारा था। अब मैं निवेदन करूंगा, मैं अपने तरफ से प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर रहा हूं और निवेदन करूंगा हम अपने मैनेजर साहब नमन शर्मा साहब से, जो SBI म्यूचुअल फंड से हमें सहयोग देने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए, हमारे मित्रों को बताने के लिए आज बहुत बहुमूल्य समय निकाले हैं। हम उनका सबसे पहले आभार प्रकट करते हैं और स्वागत करते हैं। नमन शर्मा जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। मुझे मतलब अभी बहुत अच्छा लगा ये प्रेजेंटेशन में ज्वाइन होकर। अभी जिस तरीके से आप ये फंड वगैरह एक्सप्लेन कर रहे थे, रिटर्न्स बता रहे थे, एक्चुअल में यही एक सही तरीका है क्लाइंट से बात करने का, उन्हें फंड्स बताने का। क्योंकि जितना ज्यादा हम ये क्लियर रखेंगे कि SIP असली में किस लिए करनी चाहिए, हम उतना ही बेटर किसी को ये समझा पाएंगे कि वो SIP क्यों करे। जी।
अभी सर आपने जो ब्लू चिप फंड, कॉन्ट्रा फंड, इनकी परफॉर्मेंस वगैरह एक्सप्लेन करी है जी। उसमें यही है कि जो हमारा ट्रैक होता है, बेसिकली एसआईपी क्या होती है, मैं पहले थोड़ा वो बताना चाहूंगा जी। एसआईपी होती है सिस्टमैटिक विड्रॉल, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जी। इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी को भी मानिए, हम लोग क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हम जनरली सेविंग में बिलीव करते हैं, हम पैसा जोड़ते हैं। हमें शुरू से सिखाया जाता है, एक छोटे बच्चे को गुल्लक लाके दी जाती है उसके जन्मदिन पर कि वो पैसा जोड़े, और वही जोड़ा हुआ पैसा उसे फ्यूचर में काम आता है। इसी कंसेप्ट को लेके बनाई गई है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जी। आप जो भी कमा रहे हैं उसे हर महीने थोड़ा थोड़ा आप जोड़ते रहेंगे, और एक समय जब आपको उस पैसे की जरूरत होगी, आपको कोई बड़ा काम लेना होगा, तब वही जुड़ा हुआ पैसा आपको एकदम से इतना रिटर्न देगा, रिटर्न के साथ आपका पूरा गोल अचीव कर देगा। मान लीजिए आपने आज से 5 साल बाद एक गाड़ी लेनी है जी। अब एक आदमी वो है जो सोचता है भाई मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, और वो सिर्फ सोचता रह जाता है। और वही एक आदमी है जो हर महीने एसआईपी में कुछ कुछ पैसा डाल रहा है, उसे पता भी नहीं चलेगा, और 5 साल बाद जब वो देखेगा तो वो पैसा इतना हो जाएगा कि वो गाड़ी ऐसे ही खरीद सकता है, उसे कहीं और से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, उसका ऑटोमेटिकली इतना रिटर्न आ जाएगा जी। अगर एक नॉर्मल मैं मतलब थोड़ा सा हटूंगा एसआईपी से, मैं मैथ्स में जाऊंगा, अगर हम सीधी सी बात करें, अगर आप पकड़ ले, आपने तो 16% 15% 18% का रिटर्न बताया, अगर हम बात करें कि सिर्फ मात्र 12% का भी रिटर्न किसी को आ रहा है जी। और उसने 5 साल अपनी एसआईपी चला ली, तो नॉर्मल मैथ्स है कि 5 साल में 12% पे पैसा अपने आप ही वो हो जाता है, आपका दुगना हो जाता है जी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, उसका सबसे बड़ा फायदा ही आपको एसआईपी में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि आज कोई मार्केट आपकी 18,000 पे खड़ी है और 1 साल बाद भी 18,000 पे ही खड़ी होगी, तो सिर्फ एसआईपी में वो ताकत है कि सेम मार्केट में भी आपका पैसा बढ़ा कर देगा। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप हर महीने अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब मार्केट ऊपर है तो भी कर रहे हो, जब मार्केट नीचे आई तो भी कर रहे हो जी। तो उसमें ये रहता है कि आपके अप एंड डाउन में जो मार्केट में फायदा हुआ है, आपने दोनों में परचेजिंग करी, तो जब मार्केट नीचे गई आपको ज्यादा यूनिट मिल गए, ज्यादा शेयर मिल गए, जब मार्केट ऊपर आई तो कम मिले, तो एवरेजिंग में आपको फायदा हो जाता है जी। ये सबसे बड़ा फायदा है सर म्यूचुअल फंड का जी। और यही सबसे बड़ा फायदा है आपका एसआईपी का भी जी। अब सर उससे हटके मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, अगर हमारे फंड्स की हम बात करें, तो आपने हमारा ब्लू चिप फंड एक्सप्लेन किया है जी। वो हमारा 1993 का फंड है जी। जो आप ये कह सकते हैं एक तरह से हमारे सबसे पुराना फंड है ब्लू चिप फंड। और ये इसमें क्या है, आपकी लार्ज कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज आपकी वो है जिनका नाम अगर मैं यहाँ लूंगा तो हर किसी को पता होता है। लार्ज कैप वो, जैसे आप ये मान लीजिए बैंक की अगर बात करूं तो स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो ऐसे नाम है जिन्हें कहते हैं ना कि बड़ा जहाज एक तैयार हो चुका है, जो भी उसमें चढ़ेगा वो अपने रास्ते लग ही जाएगा, उसे अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। ब्लू चिप कंपनीज आपकी लार्ज कैप कंपनीज बिल्कुल वैसी ही कंपनीज होती हैं, जिसमें आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो बेफिक्र रहें, ये आपको रिटर्न दे के ही जाएंगे। हाँ देखिए, जब हम बड़ी शिप में होते हैं तो कई बार अप एंड डाउन आते हैं, वही हमें मार्केट भी देती है। कई बार मार्केट नीचे जाएगी, रिटर्न आपके कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना टाइम पूरा करेंगे किसी भी एसआईपी में, 3 से 5 साल रहेंगे, तो आपको वो रिटर्न दे के जाएगी, हमेशा फायदा ही दे के जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि कोई मुझसे कोई सवाल वगैरह अगर किसी का हो तो वो पूछे, क्योंकि एसआईपी में मेजरली मैं इतना ही एक्सप्लेन करना चाहता था कि एसआईपी क्या होती है, कैसे होती है, और मार्केट क्या क्या उस पर इफेक्ट कर सकती है। अब अगर किसी को कुछ सवाल है तो प्लीज मैं खुश होकर जवाब देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नमन सर। मित्रों आपसे अनुरोध है कि अगर किसी मित्र का भी कोई क्वेश्चन है, शशि गुप्ता जी हाथ उठाया है क्वेश्चन पूछने के लिए। शशि गुप्ता जी आप अपना नाम, शहर का नाम बता के क्वेश्चन जरूर पूछिए, नमन शर्मा साहब आपको जरूर जानकारी देंगे। धन्यवाद शशि गुप्ता जी। सर मैं जानना चाहता हूँ, हेलो, आप अपना नाम और सिटी का नाम बताएं सर पहले। शशि गुप्ता फ्रॉम सर बोलिए जी, धनबाद झारखंड से जी। जी गुप्ता जी पूछिए जी, क्वेश्चन ये है सर कि जैसे एसआईपी में अगर इन्वेस्ट करना हो
कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गुप्ता जी आपका। नमन शर्मा साहब सर को जवाब दीजिए। एज एग्जांपल सर देखिए, हाँ हाँ बताइए आप पूछिए। सर SIP का एक ऑप्शन होता है, तो वहां से अगर इन्वेस्ट करते हैं और बाय चांस अगर फोन पे टाइम हो सकता है 1-2 साल 5 साल में फोन पे। शशि सर आपकी ना आवाज बीच बीच में कट रही है। आप एक बार अपना दोबारा सवाल बोलेंगे शशि सर? जी सवाल कि अगर SIP इन्वेस्ट करना हो तो प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करें? सर देखिए शशि सर, पहली बात तो ये है कि प्लेटफॉर्म आजकल हर जगह अवेलेबल है। आप तिवारी सर से बात करेंगे, तिवारी सर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक लिंक भेज देंगे जिसमें आप इनिशिएट करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम है। आप तिवारी सर से बात करके अगर आप चाहेंगे कि आप डिजिटली कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कुछ कस्टमर होते हैं जिन्हें डिजिटली करते हुए डर लगता है कि कुछ गलती ना हो जाए, पैसे का मामला है, तो उस केस में आप फॉर्म हमारा जो हार्ड कॉपी का प्रोसेस है वो कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, हम आपके वहां से उठवा के उसे प्रोसेस करवा देंगे। ये चीज हो जाएगी। दोनों आप मीडियम यूज कर सकते हैं, वो आपकी कंफर्टेबिलिटी, आप क्या चाहते हैं तो हम वैसे काम करवा देंगे। जी जैसे अगर कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। हेलो जी जी हाँ सर बोलिए बोलिए। जैसे कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर यूज करते हैं ठीक है, और वो प्लेटफॉर्म ही अगर बंद हो जाए भविष्य में, तो फिर ये फंड कैसे फिर वापस आएगा? जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। देखिए पहली बात, हाँ देखिए शशि जी, पहली बात मैं ये बताऊं कि प्लेटफॉर्म बंद होता है, म्यूचुअल फंड बंद नहीं होता है। तो इसमें आप बेफिक्र रहे, अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म कल को कोई चल भी रहा है, मान लीजिए आज मैंने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी ठीक है, वो एप्लीकेशन कल को किसी वजह से किसी ने उसे हैक कर लिया या कुछ भी, मैंने उसे बंद करके कोई नई एप्लीकेशन चलाई, तो मैं वो अपडेट आपको मेल पे करता हूँ ठीक है। अगर आप उससे भी आगे एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप SBI में इन्वेस्ट जब करेंगे या किसी भी पोर्टल में इन्वेस्ट करेंगे, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो वो कंपनी हमेशा एग्जिस्ट रहेगी, उस कंपनी का एक एड्रेस आपके पास हमेशा रहेगा। जैसे सर ने अभी अपना एड्रेस दिया, सर का एड्रेस आपके पास है, लिंक नहीं चल रहा कोई बात नहीं, आप सीधे सर को कॉन्टेक्ट कर लो, आप सीधे SBI में कॉन्टेक्ट कर लो अगर आप SBI का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो जहां भी इन्वेस्टमेंट करें, पैसा कहीं जाता नहीं है, बस ये है कि हमें ढूंढने का रास्ता पता होना चाहिए। हम अगर घबरा के ये सोचेंगे कि अगर वो लिंक खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपने कहीं पैसा दिया है तो बस वो सही जगह होना चाहिए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये एक सही जगह है, यहाँ से आपको हमेशा रिस्पांस भी मिलेगा और रिजल्ट भी मिलेगा चाहे कोई भी सिचुएशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद शशि गुप्ता जी, धन्यवाद से जुड़ने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए। अगला किसी मित्र का क्वेश्चन है। किसी दोस्त के मन में कोई क्वेश्चन है तो हमारे मैनेजर साहब से पूछ लिया जाए। सर SIP के लिए भी डीमैट अकाउंट की जरूरत है? भाई साहब आप अपना नाम और शहर का नाम बताएं पहले, फिर क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर मैं कविंद्र यादव कोलकाता से बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या क्वेश्चन है आपका? इस SIP के लिए भी डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है क्या? सर बगैर डीमैट अकाउंट का भी आप SIP कर सकते हैं, अपने सेविंग बैंक अकाउंट से भी आप SIP कर सकते हैं। आपको एक बार जैसे आप SIP की शुरुआत करते हैं, शुरू में सबसे पहले आपको KYC होगा। KYC में आपका आधार कार्ड की कॉपी या पैन कार्ड की कॉपी के साथ में बाकी एक और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जाती है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, है ना, पासपोर्ट की कॉपी जाएगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिटेल्स आपका जाता है, और साथ में पहली बार एक अपना सेविंग अकाउंट का चेक देते हैं तो वो जमा करके आपका SIP शुरू हो जाता है। फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और आगे से एक ECS फॉर्म होती है SIP वाले फॉर्म में, ECS फॉर्म के द्वारा
आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कट करके जिस भी म्यूचुअल फंड्स में आपने एसआईपी शुरू करी है उस म्यूचुअल फंड के अकाउंट में जाएगा और उसका स्टेटमेंट अकाउंट डिटेल्स जो हम एप्लीकेशन देंगे आपको आप उस पे ले सकते हैं या जिस म्यूचुअल फंड कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है आप उनके एप्लीकेशन के ऊपर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे और आपके मेल पे हर महीना जब भी पेमेंट कटेगा आपको स्टेटमेंट जाता रहेगा, ऐसा रहेगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू कविंद्र यादव जी कलकत्ता से जुड़ने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कपिल राठी जी। कपिल राठी जी आप अपना पूरा नाम और शहर का नाम बता के क्वेश्चन पूछा जाए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं रोहतक हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी। एक्चुअली मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मैडम के नाम से कोड ले रखे हैं इसमें पॉलिसी बाजार में जी। आपके पास मैसेज गया है आप उनको अपना पैन कार्ड की कॉपी भेजिए और उसपे लिखिए कि म्यूचुअल फंड एजेंसी के बारे में या डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आपको जानकारी चाहिए, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर वाले जानकारी आपको दी जाएगी। मैं संक्षिप्त में यही बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स सही मायने में राष्ट्र सेवा का काम है, अपने इन्वेस्टरों का सेवा का काम है और इसमें बहुत ज्यादा आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है। इसमें इतना तक भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा कि कस्टमर के पास जाकर के आप ला के जमा कराए तो उसका खर्चा भी मिल जाएगा, तो इसमें इनकम नहीं के बराबर है। हाँ, आप अगर एडवाइजर हैं तो आपको ये प्रोडक्ट सपोर्ट करेगा कि आप इसके साथ में बाकी प्रोडक्ट के साथ में आप क्रॉस सेल कर सकते हैं और इसके साथ में आप नए कस्टमर नए परिवार के साथ में जुड़ के अपने बाकी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ऐसा रहेगा कपिल। सर एक बात और कन्फर्म करना था मेरे को, इसमें रिडेम्पशन कैसे होता है? जैसे हम यहाँ से हमने शिप में इन्वेस्ट कर दिया पैसा और वन ईयर के आफ्टर वन ईयर हम इसको रिडीम करना चाहते हैं तो कैसे हो पाएगा? सेम डे होगा, कैसे होगा? जी जी नमस्कार मैं साहब, मैं चाहता था कि आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दें को। सर बेसिकली जब भी हम रिडम्पशन डालते हैं ना वो फंड पे डिपेंड करता है आपका फंड किस कैटेगरी का है। अगर लिक्विड कैटेगरी का फंड है तो आपका एक दिन में पैसा आता है, अगर डेट कैटेगरी जैसे हम बॉन्ड्स वगैरह या फिर हम कहते हैं क्रेडिट पे भी डेट फंड होते हैं उनमें दो दिन में पैसा आता है, टी टू में और इक्विटी में टी प्लस थ्री में, इस हिसाब से चलता है। इक्विटी में तीन दिन में आएगा ना, इक्विटी में ट्रेडिंग प्लस टी प्लस थ्री मतलब जिस दिन आपने रिक्वेस्ट डाली उसके वो दिन और उसके आगे के तीन दिन और, मतलब कुल मिला के चार वर्किंग डे। अच्छा, इसका कोई चार्जेस रहता है क्या रिडेम्पशन का? सर चार्जेस डिपेंड, मैंने वही बताया ये फंड टू फंड डिपेंड करता है। आप जैसे बोल रहे हैं अगर हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में आपके एग्जिट लोड लग जाएगा अगर आप तुरंत एक साल बाद ही पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें हर एक यूनिट में एक साल का एग्जिट लोड रहता है, तो 12 महीने आपके सिर्फ एक ही यूनिट फ्री हुई और लमसम में आप अगर निकालेंगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। आफ्टर वन ईयर तो उसके कुछ नहीं रहेगा ना, लोड वगैरह चार्जेस वगैरह खत्म हो जाते हैं ना? जी जी, वो लमसम के केस में, एसआईपी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, वही आपको बताया सर ने। आप एक बार वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर का डालेंगे तो उसका जब कुछ अलग से सेशन हो रहा होगा तब हम आराम से इसे ब्रीफ करके समझाएंगे। ओके सर, ओके सर, नो इशू, नो इशू। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल लाठी जी रोहतक से जुड़ने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए। अगला क्वेश्चन किन मित्र का है? किसी मित्र का क्वेश्चन है? सर मैं कुछ बोलना चाह रहा था, जैसे फंड है वो फंड कितने तरह का होते हैं? ये जैसे हुआ डेप्थ फंड हो गया, लिक्विड फंड, ये सब क्या होते हैं सर? इसका थोड़ा सा डिटेल मिलता और भी बेहतर समझने में अच्छा होता है। कविंदर भाई मुख्य रूप से ना फंड की जानकारी आप तीन तरह से समझ सकते हैं। एक इक्विटी फंड होता है, दूसरा बैलेंस कैटेगोरी का फंड होता है और तीसरा फंड जो होता है वो डेट कैटेगोरी का होता है। तो मुख्य रूप से फंड का कैटेगोरी तीन ही है। जो डेट फंड होता है पूरा का पूरा बैंकिंग वाला रिटर्न और बैंकिंग वाला इंटरेस्ट रेट पे चलता है। जो बैलेंस फंड्स होता है उसमें इक्विटी और डेट का एक्सपोजर दोनों मिला रहता है और जो इक्विटी फंड होता है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड होता है। तो मुख्य रूप से तीन ही फंड है, लेकिन फंड का जब डिफिनेशन जाएंगे ना तो इक्विटी फंड में बहुत तरह का फंड मिलेगा। लार्ज कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, बैंकिंग फंड है, फाइनेंशियल सर्विसेज है,
हेल्थ केयर है, सेक्टर वाइज फंड है, बहुत सारा कैटेगोरी होगा। वो जब हम लोग ना लर्निंग की क्लास रखेंगे ना म्यूचुअल फंड के फंड की जानकारी में, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाकी कभी ना आप हमारे चैनल पे आइए, हमने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक के बारे में जानकारी दिया हुआ है, लगभग 20 से 25 वीडियो हमारा म्यूचुअल फंड के बेसिक के ऊपर है, तो आप जरूर देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहा होगा उसका जवाब हमारे वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा कवित्र जी। धन्यवाद धन्यवाद कविंद्र यादव जी। और किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछा जाए। सभा समाप्ति की तरफ चले। नमन सर, कुछ और कहना है आपको लास्ट में हमारे मित्रों से? सर बेसिकली यही था कि आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई, लोगों के सवाल के जवाब देकर अच्छा लगा। SIP आप ये मानिए कि आज के टाइम में जो बंदा SIP कर रहा है वो अपने फ्यूचर के लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन कर रहा है, ताकि वो एक स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में, मतलब एक छोटी छोटे किश्तों में, एक तरह से वो अपना कोई भी सपने के लिए कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना, वो चीज आपको एक SIP देती है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नमन शर्मा साहब, हमारे मैनेजर साहब, SBI म्यूचुअल फंड से जुड़ने के लिए। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने सभी मित्रों की तरफ से कि आप अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाल के आज हमारे साथ में जुड़े हैं, और सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का भी हार्दिक धन्यवाद कि आज का संध्या, वैसे हमारा जो गूगल मीट का टाइम होता है, बाकी मित्रों को पता है, हम 8 बजे से 9 बजे का रखते हैं, आज का कुछ विशेष प्रयोजन था। हमारे यहाँ पे एक नए रिलेशनशिप मैनेजर ज्वाइन करी है, रितु मैम, उनका विशेष आग्रह था कि हमारे जो भी प्रोस्पेक्टिव हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनके साथ में आप 6 से 6:30 का कार्यक्रम रख दीजिए, जिससे कि बेसिक जानकारी हम उनको दे पाए। कुछ उनके पास इस तरह का डिमांड आया होगा, तो उनके विशेष अनुरोध पे समय रखा गया था। अदरवाइज अपना समय वही रहेगा, शाम को 8 से 9 का। और कल का सब्जेक्ट बहुत शानदार आप लोगों को तक पहुंच जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि कल भी जुड़ेंगे, परसों भी जुड़ेंगे, और उसके अगले दिन भी जुड़ेंगे। समय वही शाम को 8 से 9। और आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी दोस्तों का, आप सभी मित्रों का, आप सभी इन्वेस्टरों का, आप सभी अभिकर्ता बंधुओं का और हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका दिन शुभ हो, आप शुभ संध्या और रात्रि शुभ रात्रि और रात्रि मंगलमय हो, और आगे आने वाले जीवन में आप अग्रसर हो। आप इसी तरह निवेश की ऊपर चर्चा हमारे साथ जारी रखें, हमारी हर संभव कोशिश होगी कि भारत में आप जहां भी हैं, हम आपकी सेवा, हम आपकी जरूरतों को ध्यान में रख करके बेहतर एडवाइजरी करते रहें। इन्हीं वादों और इन्हीं बातों के साथ में हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार मित्रों, सादर प्रणाम। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।